हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हिंदी का 5th चैप्टर करेंगे, जो है अतीत के पत्र। और ये लेसन लिखा है विनोबा भावे जी ने और गांधी जी ने। तो पहले परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें दो लेखक है, दो लोगों ने ये लेसन या जो ये पत्र है लिखा है, उसके लिए इसमें दो परिचय दिए हैं। पहले विनोबा भावे जी का और दूसरा महात्मा गांधी जी का। तो जन्म कब हुआ था इनका? 11 सितंबर 1895 को जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 14 नवंबर 1982। ठीक है, ये उनका जन्म और मृत्यु हो गया। फिर अब इनके बारे में परिचय देंगे। यहाँ पे परिचय दिया उनका, यहाँ पे उनका नाम पूरा दिया, यहाँ पे विनोबा भावे जी लिया है, फिर यहाँ पे विनायक नेहरी भावे, ये पूरा नाम उनका दिया है। ठीक है, तो परिचय में क्या है, विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नेहरी भावे था, तो यहाँ पर उनका पूरा नाम दिया है। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। तो ये उनके बारे में दिया है कि वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंस के लिए जो संग्राम जो फाइटिंग्स हुई थी उसके लिए वो एक सेनानी मतलब एक सैनिक जैसे थे। वो बहुत ही प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वो गांधी विचारक थे, गांधी जी के विचार से मतलब गांधी जी जो रूल्स फॉलो करते हैं उनका रूल ये भी फॉलो करते थे, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि गांधी जी के विचारक थे, मतलब एक टाइप का समझ लो कि फॉलोअर्स थे। तो प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद। तो इनका एक प्रमुख कृति मतलब सबसे मेन काम क्या था इनका? गीताई, गीताई मतलब गीता का मराठी में अनुवाद, जो हिंदी हिंदू 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 के इसमें जो गीता है, गीता का मराठी में लिखा गया था, जो गीता हिंदी में लिखा है उसको मराठी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। गीता पर वार्ता, वार्ता मतलब बातें, गीता पर बातें, और शिक्षा पर कुछ विचार, शिक्षा मतलब एजुकेशन के ऊपर कुछ विचार, ऐसे बुक्स हैं उनके पास कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो ऐसा प्रमुख है। अब महात्मा गांधी जी की तरफ आते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869, तो इनका जन्म हो गया। मृत्यु था 30 जनवरी 1948। परिचय अब देखते हैं इनका। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये सबको पता है। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। तो जब भारतीय स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंस डे का आंदोलन जो स्ट्राइक चालू था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका था? महात्मा गांधी का था। तो वो एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियाँ क्या थी उनकी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा, ये एक आत्मकथा थी। हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, ये सब बुक्स लिखे थे उन्होंने। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। तो ये बुक्स लिखे थे वो देश के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर। और फिर बोला कि ऐसे और भी बुक्स लिखते थे, हर रोज़ ऐसे और भी बुक्स लिखते थे किसी इंसान के ऊपर या कोई समाचार पत्र में। ठीक है, फिर गद्य संबंधी। अब गद्य संबंधी ये लेसन या ये जो भी है पत्र वो किसके ऊपर है? वो है यह प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। तो यहाँ पे ये लेसन में बता दूँ, ये लेसन में दो पत्र दिए हैं। पहले पत्र में विनोबा भावे जी ने गांधी जी को पत्र लिखा है, और दूसरे पत्र में गांधी जी ने विनोबा भावे को वो पत्र का उत्तर दिया है। तो इसमें वो वही सब है, पूरा दो पत्र है। तो इसमें बोला है कि पहले पत्र में विनोबा भावे जी का निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब एकदम अटल, एकदम ताक मतलब एकदम स्ट्रांग निश्चय था। देश सेवा व्रत, देश की सेवा करने का व्रत प्रॉमिस लिया था। परिश्रम मतलब मेहनत, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, और गांधी जी के प्रति समर्पण मतलब गांधी जी को अपना सब कुछ मान लेना। एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है, और उनके प्रति श्रद्धा दिखती है, परिलक्षित मतलब दिखती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। अब पहले पत्र में बता दिया कि क्या क्या लिखा है, दूसरे पत्र में बोला है कि गांधी जी ने जो दूसरा पत्र लिखा है भावे जी को उसमें क्या बताया, उसमें गांधी जी ने अपना भरोसा बताया भावे को, विनोबा भावे जी को गांधी जी ने बताया कि मैं उन पर भरोसा करता हूँ। पितृवत मतलब विनोबा भावे जी ने गांधी जी को अपना पिता माना था, इसलिए वो अपना पितृवत प्रेम बता रहे, मतलब पिता जैसा प्रेम दिखाई पड़ता है।
इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये पत्र पढ़ के अलग अलग टाइप के जो मानवीय जो ह्यूमैनिटी के रूल्स है, ह्यूमैनिटी के जो वैल्यूज़ है वो अपनाने को प्रेरणा मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो लेसन की तरफ आते हैं, लेसन स्टार्ट होता है पत्र से। परम पूज्य बापूजी, ये विनोबा भावे जी गांधी जी को लिख रहे, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, परम पूज्य बापूजी। एक साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। तो यहाँ पे पहले बोला है कि एक साल पहले अस्वस्थ मतलब बीमार की वजह से मैं आश्रम के बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊँगा। अब यहाँ पे बोला है कि जब वो बाहर गए थे, अस्वस्थ बीमार हुए थे, तो वो बाहर गए थे और उन्होंने क्या तय किया था कि मैं 2-3 महीने में, 2-3 मास मतलब महीने के अंदर वाई मतलब वो आश्रम फिर आ जाऊँगा। वाई क्या है, वाई एक टाउन है, वाई महाराष्ट्र में एक टाउन है, किसी को पता होगा, महाराष्ट्र का एक टाउन है वाई। तो उन्होंने क्या तय किया था कि 2-3 महीने के अंदर वो वाई से, जो वाई गए थे वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे आश्रम में। पर एक साल बीत गया फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। अब बोल रहे कि मैं ऐसा सोचा तो था मैंने कि 2-3 महीने में आ जाऊँगा, लेकिन मेरा यहाँ पे मतलब आश्रम से दूर रहकर 1 साल हो चुका है, आश्रम से दूर रहकर मेरा 1 साल हो गया और फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। मतलब कोई एक जगह पे विनोबा भावे जी नहीं रह रहे थे, यहाँ वहाँ प्रवास कर रहे थे। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। अब ये यहाँ पे बोल रहे कि अब जो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं जो आश्रम नहीं जा रहा हूँ 1 साल से, उसमें सारी गलती इन्हीं की है, ठीक है, दोष मतलब गलती। वैसे मामा फड़के का मैंने 1-2 पत्र लिखे थे मामा फड़के को। अब यहाँ पे फड़के वो टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे थे, फड़के उनको ही बारे में बात करें तो उनको मामा का ये दिया है, मतलब टाइटल दिया है, जैसे महात्मा गांधी को बापू का टाइटल दिया था, ठीक है। तो उनको ये क्या बोल रहे कि विनोबा भावे जी ने उनको 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरा हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं अपेतु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। अब आगे विनोबा भावे जी लिखते हैं कि जो आश्रम में मैं रह रहा था उसमें मेरा हृदय बस गया, मतलब मैं वहाँ का हो गया हूँ और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा जो जन्म है वो आश्रम के लिए हुआ है, आश्रम के कल्याण के लिए ही हुआ है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई, ऐसा उनको लगने लगा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला था कि वो 1 वर्ष तक बाहर रहे, अब यहाँ पे पूछ रहे, वो वहाँ पे बोल रहे कि अब ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं 1 वर्ष तक गया कहाँ, मैं बाहर रहा क्यों। अब यहाँ पे उसका उत्तर दिया है, जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। अब ये बोल रहे हैं कि जब विनोबा भावे जी 10 साल के थे, 10 वर्ष मतलब 10 साल के थे, तभी उन्होंने ब्रह्मचार्य मतलब एसेटिक ब्राह्मण होने का व्रत ले लिया था, और उसको पालन करते हुए देश सेवा मतलब कंट्री का हेल्प करने का भी व्रत ले लिया था, मतलब ब्रह्मचार्य व्रत भी लिया था और देश सेवा का भी व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। अब 10 साल के बाद वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे कि उसके बाद कहाँ गए, वो हाई स्कूल में दाखिल हुए। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। भागवत गीता सबको पता है हिंदू लोग होते हैं उनका बुक्स होता है, उनका एक बुक है, तो उसमें वो भागवत गीता के अध्ययन मतलब पढ़ने का शौक हुआ उनको। जब वो हाई स्कूल में थे तब उनको भागवत गीता का पढ़ने का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। लेकिन उनके जो पिताजी थे, विनोबा भावे जी के जो पिताजी थे, उन्होंने दूसरी भाषा के तौर पर क्या लेने की आज्ञा दी, फ्रेंच लेने की, तो उन्होंने फ्रेंच लिया। तो भी गीता पर मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे बोल रहे कि उन्होंने फ्रेंच तो लिया, लेकिन फ्रेंच लेने के बाद भी उनका जो गीता पर प्रेम था, जो गीता भागवत गीता पर जो बुक का प्रेम था, वो कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने फिर क्या किया, घर पर खुद ही खुद संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर
उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। अब यहाँ पे विनोबा भावे जी किसको पत्र लिख रहे हैं? महात्मा गांधी को। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब महात्मा गांधी ने उनको आश्रम में आश्रम में जाने की आज्ञा दी, जब आज्ञा लेकर आए वो, तभी उनको विनोबा भावे जी को वेदांत मतलब धर्म ज्ञान जो बुक्स होते हैं वेदांत, वो पढ़ने का अच्छा मौका हाथ लगा। जैसे ही वो आश्रम में दाखिल हुए थे तभी उनको वेदांत पढ़ने का अच्छा मौका लगा और उनको वेदांत में भी बहुत इंटरेस्ट था। वाई में नारायण शास्त्री मराठा नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जब वो वाई में उनको वेदांत पढ़ने का मौका कहाँ मिला, वाई ये जो टाउन है जहाँ वो गए थे एक साल के लिए, वहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे जो उन्हें जो अच्छा वेदांत सिखाते थे और दूसरे शास्त्र भी सिखाने का काम करते थे। उनका नाम क्या था? नारायण शास्त्री मराठा। ये ब्रह्मचारी बच्चों को विद्यार्थियों को वेदांत और दूसरे शास्त्र अलग अलग टाइप की चीज़ सिखाते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। अब उनके पास उपनिषदों मतलब धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में पढ़ने का अध्ययन मतलब पढ़ने का लोभ, उन्हें लोभ हुआ कि मुझे अभी उपनिषद हो धर्म के बारे में पढ़ना है, लेकिन किससे पढ़ना है? नारायण शास्त्री मराठा से। इस लोभ के कारण वाई में मैं ही ज़्यादा समय रह गया। अब इनको उपनिषदों के बारे में पढ़ना था इसलिए वो वाई में ज़्यादा समय तक रह गए पढ़ने के लिए। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। अब वो जब वाई में थे तब उन्होंने क्या क्या किया वो लिखेंगे। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। अब वो बता रहे कि जिस लालच के वजह से मैं आश्रम से इतने दिनों तक दूर रहा, उसका लोभ और मैंने क्या क्या कार्य किए वो नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। अब फर्स्ट लाइन में बताया था कि वो आश्रम से बाहर क्यों गए थे, क्योंकि वो अस्वस्थ थे। तो स्वास्थ्य सुधार, उनका हेल्थ अच्छा हो, इसलिए उन्होंने पहले क्या किया, 10-12 मील घूमना शुरू किया। ठीक है, बाद में 6-8 शेर अनाज पीसना चालू किया। अब शेर क्या है, जैसे केजी होता है, ग्राम्स होता है, वैसे शेर एक यूनिट होता है वेइंग करने का। तो उन्होंने पहले क्या किया, 10-12 मील घूमा, फिर 6-8 शेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। तो उनका व्यायाम क्या है, 300 सूर्य नमस्कार किए और घूमना, ये उनका व्यायाम था। इसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, ये सब करने से उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया था। आहार के विषय में, अब यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, उनके आहार मतलब खाने के विषय में, पहले 6 महीने तक तो नमक खाया। अब यहाँ पे वो बता रहे कि जो पहले 6 महीने थे उन्होंने क्या खाया, नमक खाया। अब नमक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमक खाना, नमक से बना हुआ भोजन खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। फिर नमक से बना हुआ कोई भी भोजन उन्होंने नहीं खाया, पहले 6 महीने तक नमक के खाने खाए, फिर जिसमें नमक गिरा है वो भोजन छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आज जन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। अब उन्होंने 6 महीने नमक खाए, उनके बाद उसे नमक के खाने को छोड़ दिया और फिर उन्होंने कोई भी मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और जीवन भर के लिए नमक और मसाले न खाने का व्रत ले लिया। दूध शुरू किया, फिर उन्होंने दूध पीना शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। प्रयोग मतलब देखा कि दूध पीने से मुझे शक्ति आ रही है और नहीं पी रहा हूँ तो मैं चल नहीं पा रहा। तो ये बोल रहे कि दूध उन्होंने जब शुरू किया तब उनसे ये पता चला कि अगर दूध नहीं पिए तो वो बराबर चल भी नहीं पाते। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता था छोड़ देना ही मेरी इच्छा है। तो ये आगे बोल रहे कि अगर इसको दूध को छोड़ा जा सकता था तो मैं ये भी छोड़ देने वाला था, ऐसी मेरी इच्छा थी। 1 महीना केले दूध और नींबू पर बिताया। 1 महीना पूरा 1 महीना केले खाते हुए दूध और नींबू पर बिताया, मतलब केले खाते रहे, दूध खाते रहे, नींबू की चीज़ें। इससे ताकत कम हुई, तो इससे अभी ताकत उनकी कम हो गई।
अब क्या क्या कार्य करते थे वो वहाँ पे। कार्य पहला, गीता का वर्ग चलाया, वर्ग मतलब क्लास, गीता बच्चों को गीता सिखाने के लिए एक क्लास बनाई और वहाँ पे गीता सिखाया। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। अब यहाँ पे बोल रहे कि जो ये गीता का वर्ग था, जो क्लास था, उसमें 6 बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने पूरी गीता, गीता एक बहुत मोटी बुक होती है, तो बोल रहे कि जो गीता थी उसको पूरी मैंने सिखाई उनको पूरे अर्थ के साथ, लेकिन बिना पारिश्रमिक के, बिना फीस के, पारिश्रमिक मतलब फीस। सेकेंड, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। अब ये सब क्लासेस है, ये जो लिखा है ये क्लासेस है, ये क्लास में 4 विद्यार्थी थे, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। ये भी एक बुक के पेज का अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ना था। थर्ड था उपनिषद 9, मैंने बताया कि उपनिषद का मीनिंग क्या है, धर्म के ऊपर, तो ये बुक, इसके ऊपर भी वर्ग चला, उसमें कितने विद्यार्थी थे, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। तो ये सब वो बता रहे कि कौन कौन से क्लास किए, उसमें कितने बच्चे थे, उन्होंने उनमें क्या क्या देखा और क्या क्या सिखाया। फोर्थ, हिंदी प्रचार, हिंदी का प्रचार मतलब हिंदी को मतलब पॉपुलर करना, ठीक है, प्रचार मतलब एडवर्टाइज करना। मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, वो बोल रहे कि मैं खुद विनोबा भावे जी को, खुद अच्छी हिंदी नहीं आते, वो मराठी के फैमिली में बिलोंग करते तो उनको अच्छी हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अब उनको हिंदी नहीं आती लेकिन फिर भी उन्होंने विद्यार्थी, जो क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का क्रम जमाए रखा, ठीक है। फिर फिफ्थ क्लास है अंग्रेज़ी, 2 विद्यार्थी को सिखाई, तो अंग्रेज़ी इंग्लिश उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल थी, इन्होंने यात्रा कितना किया, यात्रा 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। तो ये जो 400 मील गए, वहाँ पे जाके क्या क्या देखे, राजगढ़ देखा, सिंहगढ़ देखा, ये सब फोर्ट्स है, ये सारे किले जो प्रसिद्ध पॉपुलर किले हैं वो सब देखे। सेवेंथ क्या है, प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। प्रवास मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करने के टाइम गीता जी जो बुक है, मैंने बताया था भागवत गीता, वो गीता पर प्रवचन, प्रवचन मतलब लेक्चर्स बनाए रखा। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए होंगे, तो वो जितना भी प्रवास कर रहे थे, जब जब प्रवास करते थे तब तब वो गीता जो भागवत गीता उसमें से लेक्चर लेते थे, उसके बारे में बताते थे। तो वो बोल रहे कि ऐसे मैंने कुछ 50 प्रवचन दिए हैं, 50 लेक्चर्स किए हैं। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। यहाँ पे लेखक विनोबा भावे जी बोल रहे कि अब यहाँ से जब मैं आश्रम जाऊँ, आते हुए मुंबई तक पैदल जाऊंगा, ठीक है, मुंबई तक पैदल जाऊंगा, फिर वहां से रेल मतलब ट्रेन से आश्रम जाऊंगा। अब वो जहां पे हैं वहां से आश्रम जाने के लिए उनका रास्ता बताया कि यहां से आश्रम जाने के लिए वो पहले मुंबई तक पैदल चलेंगे, फिर रेल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है, प्रवास मतलब ट्रैवलिंग, तो उनके साथ एक 25 वर्ष का, 25 ईयर्स का एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। वो क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उसको, जो स्टूडेंट वो विद्यार्थी, उसको मुझसे गीता सीखना है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। अब यहाँ पे उन्होंने डेट बता दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम के अंदर आश्रम पहुंच जाऊंगा। 8वां, वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। अब यहाँ पे वाई, जहाँ पे वो एक वर्ष तक रहे थे, वहाँ पे उन्होंने और क्या किया, विद्यार्थी मंडल ये नाम की एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया। स्थापना मतलब एस्टैब्लिश किया, चाहिए तो लिख लो, संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना मतलब एस्टैब्लिश। तो वहाँ पे एक संस्था एस्टैब्लिश किया, उसका नाम क्या था, विद्यार्थी मंडल। उसमें एक वाचनालय खोला, वाचनालय मतलब लाइब्रेरी होता है। तो ये जो विद्यार्थी मंडल, ये जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, उसमें एक लाइब्रेरी भी ओपन किया और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। अब ये वाचनालय की हेल्प करने के लिए, वाचनालय को कैसे हेल्प करेंगे, पैसा देकर, बुक्स प्रोवाइड करके वाचनालय को बढ़ा सकते, लाइब्रेरी को, तो इसको बढ़ाने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए एक चक्की पीसना, पता है गेहूँ पीसते, चक्की पीसते, तो
तो उसका एक वर्ग वर्ग मतलब क्लास स्टार्ट किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। वहाँ पे जाके वो लोग, वो विनोबा भावे जी और उनके साथ 15 विद्यार्थी बैठ के क्या करते, चक्की पीसते थे। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका काम हम 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से। अब यहाँ पे बोला है कि जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते थे उनका काम हम वो कितने में करते थे कि 1 पैसे के लिए 2 शेर हिसाब से, मतलब 1 पैसे यहाँ पे हिसाब बताया कि 1 पैसे में वो 2 शेर अनाज या कुछ भी पीसते थे चक्की में करते, और ये पैसे वाचनालय को दे देते। तो वो चक्की पीस के, वो मेहनत करके जितना भी पैसा मिलता वो वाचनालय को दे देते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। अब जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे भी, उनके लड़के भी इस वर्ग मतलब इस क्लास में शामिल हुए। यह वर्ग कोई 2 मास चला। अब ये जो वाचनालय का और चक्की पीसने का जो काम था ये कितने मास चला, ये 2 महीने तक चला, मास मतलब महीना। और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। जो वाचनालय बनाए थे उसमें भी 400 बुक्स इकट्ठी हो गई थी। सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। अब सत्याग्रह आश्रम क्या होता है, सत्याग्रह जो पता है आपको, सत्याग्रह का आश्रम के तत्वों का, सत्याग्रह के क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसका प्रचार मतलब पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट करने का उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया ताकि लोगों में जागरूकता आए सत्याग्रह के प्रति। और ये सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे विनोबा भावे जी। 10वां, बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। अब ये बोल रहे कि बड़ौदा की बात करें कि उनके वहाँ 10-15 मित्र हैं, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इन सबको, ये जो 10-15 मित्र हैं मेरे, इनको लोक सेवा मतलब लोगों की हेल्प करने की इच्छा बहुत है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले में हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। अब उनको बहुत पसंद है इसलिए 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले बड़ौदा में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक संस्था स्टार्ट की थी। ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर स्टार्ट किया था, मातृभाषा क्या है हमारा, हिंदी, तो हिंदी के प्रसार मतलब स्प्रेडिंग के लिए एक संस्था स्टार्ट की। इस संस्था में वार्षिकोत्सव मतलब कोई जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, एनुअल फंक्शन में गया। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या काम करना है इसकी चर्चा। तो यहाँ पे जो वो वार्षिक उत्सव था उसमें उसका मतलब क्या है, यहाँ पे उत्सव का मीनिंग दिया है कि यहाँ पे उसका मीनिंग ये बता रहा है कि जितने भी सभासद, जितने भी मेंबर्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब इकट्ठा होंगे और वो साल में कितने काम किया, क्या क्या काम हुआ हम लोग का, क्या क्या काम होना चाहिए था और कितना कंप्लीट हुआ और आगे क्या करना है इसकी चर्चा, इसका डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे वो गए थे विनोबा भावे जी। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या, किसका विचार रखा, किसका एडवाइस दिया कि हिंदी प्रचार, हिंदी की पब्लिसिटी करो, ठीक है। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम ज़रूर करेगी। अब उनकी श्रद्धा ऐसी है, विनोबा भावे जी को ऐसा लगता है कि ये संस्था जो थी वो ऐसा ये काम ज़रूर करेगी हिंदी की पब्लिसिटी में। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगा। तो महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी के प्रचार, हिंदी की पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट मतलब हिंदी को बढ़ाने की प्रयत्न शुरू किया था। तो उसमें जो विनोबा भावे जी ने बड़ौदा की बात की, वो संस्था भी काम करना चाहती है। अंत में, सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा। अब ये सत्याग्रह के निवासी है मतलब सत्याग्रह में काम करने वाले एक सिटीजन है ऐसा समझो। तो वो अपना चरित्र बता रहे, आचरण बता रहे, बिहेवियर, उन्होंने उनका भी बिहेवियर कैसा है, उन्होंने पहले क्या खाया, क्या क्या काम किया, वो सब बताया। अब वो क्या बता रहे, अपना बिहेवियर, ये कहना आवश्यक है। तो ये बता रहे कि ये बोलना बहुत ही आवश्यक है। अस्वाद व्रत, इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण के ऊपर मैं लिखा जा चुका है। तो अस्वाद व्रत जो खाना, नमक मसाले सब जीवन भर के लिए छोड़ देना, ये सब के ऊपर उन्होंने ऊपर लिख चुके हैं, ये बोल रहे हैं। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह का मीनिंग बताया और टेक्स्ट बुक में भी बताया कि संग्रह न करना मतलब कलेक्ट नहीं करना। तो अपरिग्रह में क्या है, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही
परिग्रह रखा है। अपरिग्रह और परिग्रह का मीनिंग मैं अच्छे से समझा दूँ कि अपरिग्रह मतलब ज़्यादा संग्रह ना करना, ज़्यादा चीज़ कलेक्ट ना करना। तो इन्होंने लकड़ी की थाली, खाने के लिए कटोरी, आश्रम का एक लोटा, कंबल, पुस्तक, इतना ही अपने पास ऐड किया। परिग्रह मतलब ऐड करना, ठीक है। अपरिग्रह मतलब ऐड नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब ऐड करना, इतना ही ऐड किया उनके डेली रूटीन के लिए। बहुत ज़्यादा सामान यूज़ नहीं किया। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। अब ये पहनने की चीज़ें हैं, वो बोल रहे कि बंडी, कोट, ये सब जो है, टोपी वगैरह, ये सब मैं पहनने का व्रत ले चुका हूँ कि ये सब नहीं पहनने वाला मैं अभी। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। अब बोल रहे कि इस वजह से, क्योंकि मैंने व्रत लिया है कि बंडी, कोट, टोपी पहनूंगा नहीं, इसलिए वो क्या ओढ़ लेते हैं अभी शरीर पे, धोती ओढ़ लेते हैं। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। करघे मतलब हाथ से कपड़ा बनाने, बुनने की यंत्र, हाथ से जो कपड़े बनते हैं। करघे पर, करघे पता होगा, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक टाइप का व्हील जैसा होता है, उससे कपड़े बुनते हैं। तो वो क्या बोल रहे कि अब जो करघे से कपड़े बनते हैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। मैं स्वदेशी हूँ और मुझे परदेशी के संबंध में मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब दूसरे जो फॉरेनर्स हैं उनके संबंध मेरे पास तो है ही नहीं, उनसे कोई भी रिलेशन मुझे है ही नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ, स्वदेशी हूँ, मैं अपने देश का हूँ। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ ना किया हो तो ही। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे बोला है गांधी जी ने, सॉरी विनोबा भावे जी यहाँ पे गांधी जी को बोल रहे कि अगर आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान, व्याख्यान मतलब लेक्चर के जैसे, लेक्चर के अनुसार अगर फॉरेन, मतलब उन्होंने शायद मद्रास में एक लेक्चर दिया था जहाँ पे परदेसी के संबंध रिलेशन कुछ बने थे शायद, और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, तो वो विनोबा भावे जी कह रहे कि स्वदेशी, मैं तो स्वदेशी हूँ और मेरा परदेसी फॉरेनर से कुछ भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर आपका आपके मद्रास के लेक्चर के अनुसार अगर आपने संबंध नहीं बनाए होते तो मेरा तो कुछ रिलेशन ही नहीं था, ये बोलने का मतलब है उनका। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य। अब सत्य मतलब ट्रूथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ब्रह्मचार्य मतलब ब्राह्मण, एसेटिक। इन व्रतों का परिपालन अपने जानकारी से में मैंने ठीक ठीक किया, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये सब जो व्रत है, सत्य बोलने का, अहिंसा, नॉन वायलेंस का, ब्रह्मचार्य का, ये सब व्रत उन्होंने पाला और उनका ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो पाला वो बराबर ठीक ठीक पाला है, ऐसा उनका विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहे कि मैं अभी ज़्यादा क्या बोलूँ अपने बारे में कि जब से मैंने सपने, जब भी सपने आते हैं तब मन में, जब भी वो सपने आते तब उनको ऐसा लगता है कि क्या उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कभी कि ईश्वर भगवान उनसे सेवा लेगा, ठीक है, ऐसा वो पूछ रहे क्वेश्चनिंग करके। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना, अब उनकी पूरी श्रद्धा ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आश्रम के सारे नियम, जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हैं आश्रम के, उनके अनुसार उन्होंने सब किया, लेकिन एक को छोड़कर, एक को छोड़कर उन्होंने सब नियमों का पालन किया, मैं अपना आचरण रखता हूँ। तो एक नियम को छोड़ के उन्होंने बाकी सारे नियम को फॉलो किया। अब ये कौन सा नियम उन्होंने नहीं माना वो आगे लिखा होगा, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। अब बोल रहे कि मैंने सारे रूल्स फॉलो किए इसलिए मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरी, मेरा साध्य है, आश्रम ही साध्य, उनका आश्रम ही सिंप्लिसिटी है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वो मैंने अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मैंने एक कमी बताई कि मैं वो रूल फॉलो नहीं कर पाता हूँ, वो क्या है, वो है कि मेरा भोजन, उनका खाना यानी भाकरी, जो भाकरी बनता है, स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव ना हो सका। अब ये बोल रहे हैं कि विनोबा भावे जी कि जब खुद का खाना बनाना होता है, जो भाकरी बनानी होती, उसका मैंने बहुत ही प्रयत्न किया लेकिन मेरे से नहीं हो रहा, और ये प्रवास, ट्रैवलिंग के टाइम पे ये संभव ही नहीं है कि मैं बनाऊँ भाकरी अपने लिए खुद खाना, ठीक है। तो जो जो आश्रम में रूल्स थे ना, जो जो रूल्स आश्रम में थे, वही रूल्स वो अपने पूरे लाइफ में फॉलो करना चाहते थे, लेकिन आश्रम में वो अपना भाकरी, अपना खाना खुद बना सकते, लेकिन जब ट्रैवल कर रहे हो तब वो अपना खाना बना नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक का उल्लेख किया कि एक रूल्स को छोड़ के मैंने बाकी सब का फॉलो किया है।
सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तो ये बोल रहे कि अगर सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब स्ट्राइक का कोई दूसरा, या अगर शायद रेल संबंधी, रेलवे के ऊपर, रेलवेज के ऊपर सत्याग्रह चालू होने वाला हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्योंकि वो टाइम पे बहुत ही सत्याग्रह चल रहे थे, गांधी जी सत्याग्रह पे सत्याग्रह कर रहे थे ताकि उनको अपना हक मिल सके। तो विनोबा भावे जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ सत्याग्रह करने का प्लान है तो मुझे बता देना, मैं वहाँ जल्द पहुँच जाऊँगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे कि यहाँ पे आश्रम में कितने फेरफार, फेरफार मतलब चेंज हुए, परिवर्तन हुआ है, और कितने विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन मार्क क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा का योजना क्या है तथा मुझे अपना आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चनिंग करके किसको क्वेश्चनिंग किया है, गांधी जी को क्वेश्चनिंग करके पूछ रहे कि आश्रम में क्या चेंज होना चाहिए और कितने विद्यार्थी होने चाहिए, और राष्ट्रीय का एजुकेशन का शिक्षा, एजुकेशन जो नेशन का एजुकेशन है उसकी योजना, उसकी प्लानिंग क्या है, और मुझे अपने जो आहार, मैंने जो खाना बताया उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सब जानने की मुझे बहुत इच्छा है। प्रबल मतलब स्ट्रांग, बहुत इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपका, आपको पितृतुल्य समझने वाले पुत्र का आग्रह है। अब आगे लिख रहे कि आप मुझे, गांधी जी स्वयं खुद विनोबा भावे को पत्र लिखे, ऐसी विनोबा भावे जी की बहुत ही इच्छा है। कैसी इच्छा, पितृतुल्य मतलब एज अ पुत्र के तरह अपने पिता से पत्र मांगना चाहते, वो ऐसा बोल रहे, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। अब वो बता रहे कि जो गांव में वो पत्र लिख रहे वो गांव से वो 2-3 दिन के बाद छोड़ देंगे। विनोबा भावे का प्रणाम। यहाँ पे ये पत्र कंप्लीट हुआ किसका, विनोबा भावे का। यहाँ पे एक पत्र कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है गांधी जी का पत्र जो उन्होंने रिटर्न में विनोबा भावे जी को लिख के दिया है। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, तो यहाँ पे गोरख ने मच्छंदर, गोरख और मच्छंदर, गोरख एक टाइप के गॉड थे, तो उन्होंने मच्छंदर को हराया। ये पत्र पढ़कर उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने इसको हराया। भीम, हे भीम, ये उद्गार बापू के मुँह से निकले थे। और जब बापू जी, महात्मा गांधी जी ने ये पत्र पढ़ा तब उनके मुँह से क्या निकला, भीम, हे भीम। उन्होंने खुशी से ये बातें, ये शब्द बोले। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। तो सुबह उन्होंने जैसे उनको पत्र मिला फिर अगले सुबह ही उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, नीचे दिया है। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। मैं बता दूं कि ये पत्र कौन लिख रहा है, ये पत्र गांधी जी लिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी किनको लिख रहे हैं, विनोबा भावे जी को लिख रहे हैं, ठीक है। विनोबा भावे जी को ये पत्र लिख रहे हैं। ये सेकेंड पत्र है हमारे इस लेसन का। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सारे ये वीडियो का मीनिंग सारे बच्चों को समझ सके, और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ऐसे और वीडियोस ला सके। तो देखते हैं गांधी जी का पत्र क्या है। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊँ। अब गांधी जी बोल रहे कि अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा विशेष मतलब इम्पॉर्टेंट काम लेके आऊँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। अब बता रहे कि तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो मेरे प्रति समर्पण है, प्रेम है, और तुम्हारा जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो मुझे मोह में डुबा देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब अनकैपेबल। अब वो बोल रहे कि अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ तो मैं उसमें असमर्थ मतलब मैं नहीं ले सकता, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अब जो उन्होंने खुद से खुद को परीक्षा की है, विनोबा भावे जी ने, जैसे खाना मतलब मसाले वगैरह के खाने छोड़ दिए, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार किए, कितने ही संस्था का स्थापना किया, तो ये सबको वो ग्रहण करते। कौन ग्रहण करते हैं, महात्मा गांधी जी ग्रहण करते हैं। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। अब महात्मा गांधी जी के लोभ मतलब महात्मा गांधी जी के लालच मतलब उनका जो भी काम था उनको तो विनोबा भावे जी ने लगभग सारा पूरा ही कर दिया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने ही विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। अब ये बोल रहे कि मेरी, गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी ऐसी मान्यता है कि जो सच्चा पिता होता है वो अपने ही विशेष मतलब इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी वाले चरित्रवान मतलब कैरेक्टर वाला पुत्र पैदा करता है।
सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उससे वृद्धि करे। अब यहाँ पे बोल रहे कि सच्चा पुत्र तो वही होगा जो पिता ने जो किया है, क्योंकि विनोबा भावे जी महात्मा गांधी जी को अपना पिता मानते थे, तो वो महात्मा गांधी भी विनोबा भावे जी को अपना पुत्र मानने लगे थे। तो यहाँ पे वो कह रहे कि जो सच्चा पुत्र होगा वो अपने पिता के, पिता ने जो भी किया है कार्य उसमें वृद्धि करेगा, उसमें एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, पिता सत्यवादी दृढ़ दयामय हो तो स्वयं अपने में ही गुण विशेषता से धारण करे। अगर पिता सत्यवादी है, दृढ़ है, स्ट्रांग है, दयामय है, दया देता है, क्षमा कर देता है, तो स्वयं ही वो अपने गुण में विशेषता धारण करे, तो वो पुत्र खुद ही अपने ये सारे गुण खुद में धारण कर लेता है। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, और ये सारे जो सच्चा पुत्र में, सच्चे पुत्र में होना चाहिए, ये सारे कार्य तुमने खुद ही करके दिखाए हैं। तुमने यह मेरे प्रयत्न से किया है ऐसा मुझे कोई नहीं मालूम होता है। अब आगे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी कि तुमने ये सब जो कार्य किया है ये मेरे प्रयत्नों, ये मेरे हेल्प से किया है ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारा प्रेम के भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। आगे कहते हैं कि तुमने इस वजह से जो मुझे पिता कहा है, पिता का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट, तुम्हारा लव का एज अ गिफ्ट समझ के स्वीकार, एक्सेप्ट करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा। अब तुमने जो मुझे पिता का पद दिया है वो पद का योग्य, योग्य मतलब कैपेबल बनने का प्रयत्न, प्रयत्न मतलब प्रयत्न मतलब ट्राई करूँगा। ठीक है, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित होऊँ तो प्रहलाद भक्त में के समान मेरा सादर निरादर करना। अब आगे गांधी जी कह रहे हैं विनोबा भावे जी से कि अगर मैं हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप कौन था, जो प्रहलाद उनके बेटे को जलाने गया था, ठीक है, अपने ही बेटे को अपनी बहन से जलाने के लिए लेके गए थे, ठीक है, तो मैं अगर हिरण्यकश्यप जैसा पिता बन जाऊँ, पिता साबित होता हूँ, तो तुम्हें प्रहलाद भक्त के तरह, प्रहलाद जैसे भक्त थे उनके तरह तुम्हें मेरा निरादर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में। तुम्हारी यह बातें सच्ची है कि तुम्हें बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छे तरह से पालन किया है। तो आगे वो लिख रहे हैं कि तुमने ये जो आश्रम से बाहर रहकर भी आश्रम के नियमों का पालन किया है यह बात सच है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम आश्रम में आओगे नहीं आओगे ऐसा मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आश्रम नहीं आओगे। मतलब उनको विनोबा भावे जी के ऊपर बहुत भरोसा था। तुम्हारा संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। अब जो उन्होंने बोला, विनोबा भावे जी ने अपने पत्र में बोला था कि उन्होंने किसको पत्र लिखा था, मामा फड़के को। तो वो बोल रहे कि जो तुमने पत्र भेजे थे महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी के सामने मामा फड़के ने उनको पढ़कर सुनाया। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद के उन्नति के लिए हो, ऐसी मेरी यही मेरी कामना है। अब बोल रहे कि ईश्वर भगवान करे कि तुम्हें लंबा आयु दे, दीर्घायु मतलब लंबा आयु दे, और तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा यूज़ किसके लिए करे, किसकी उन्नति के लिए, हिंद नेशन की उन्नति, उन्नति मतलब वृद्धि बढ़ाई के लिए करे, यही मेरी कामना है, ये उनकी कामना है। तुम्हारा आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। अब क्योंकि उन्होंने सवाल किया था विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को कि क्या मुझे मेरे आहार परिवर्तन करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो बता देना, तो गांधी जी लिख रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अपने आहार में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। दूध का त्याग अभी मत करना, तो अब लिख रहे आगे कि दूध जो है उसका त्याग मत करना, इतना ही नहीं आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। अब उनका अस्वस्थ थे तो वो बोल रहे कि दूध का तो त्याग करना ही नहीं, और ज़रूरत पड़ी तो क्या करना, दूध का मात्रा बढ़ा देना। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, उस पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। अब आगे लिख रहे वो जो सत्याग्रह विनोबा भावे जी ने पूछा था कि अगर रेलवे स्टेशन के लिए अगर कोई सत्याग्रह का प्लान है तो मुझे बता देना, तो ये उसका उत्तर लिख रहे कि नहीं अभी उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए ज्ञानी प्रचारक है स्ट्राइक में जो लोग होते हैं उसके लिए ज्ञानी प्रचारक की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा ज़िले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अब बोल रहे कि
अगर संभव हो सकता है, ये हो सकता है कि खेड़ा जिला, ये जो जिला है यहाँ पे सत्याग्रह करना पड़ जाए, कोई तो प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे सत्याग्रह करना पड़ सके, तो ये अपने उत्तर में दे रहे हैं। अभी तो मैं रमता राम हूँ, दो एक दिन में दिल्ली जाऊँगा, अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ और मैं एक दो दिन में कहाँ जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। विशेष तो जब आओगे तब, अभी विशेष कब होगा, तब जब तुम आओगे, सामने से आओगे, सब तुमसे मिलने के उत्सुक है, अब तुमसे मिलने के लिए सब उत्सुक है, सब ईगर है, बापू के आशीर्वाद। यहाँ पे उनका पत्र खत्म हुआ। फिर बाद में बापू के उद्गार, ये पत्र लिखने के बाद बापू ने क्या कहा, बहुत बड़ा मनुष्य है, यहाँ पे पत्र में नहीं लिखा है, ये बापू ने खुद से सोचा पत्र पढ़ने के बाद और पत्र लिखने के बाद कि विनोबा भावे जी बहुत बड़े मनुष्य हैं, मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रीय और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। अब ये कह रहे कि मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है गांधी जी का कि महाराष्ट्रियन और मद्रास के जो लोग हैं उनसे उनका अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन रहा है, महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश नहीं किया है। अब वो कह रहे कि महाराष्ट्र में जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनमें से तो किसी ने मुझे निराश, मतलब होपलेस नहीं किया है, लेकिन उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। अब इसमें विनोबा भावे जी इतना उनको फॉलो करते थे महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी ऐसा बोल रहे कि उन्होंने तो हद कर दी, मतलब इतना फॉलो करते हैं उनको। तो ये था